Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main Fatma aapko Nushai kitchen mein karti hu welcome. To aaj hamare kitchen mein banenge bade hi mazedar tomato chutney rice. To iske liye sabse pehle ye 2 glass basmati chawal hai. Inko maine aadha ghanta pehle bhigo liya. Isi ke sath ye hai hara dhaniya, pudina aur hari mirchi. Iski hum chutney banayenge. Ye hari pyaaz. ये है मेरे पास लहसुन और अदरक की पेस्ट, हरी प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा यूज़ करेंगे। ये है अनारदाना एक चम्मच, इसको भी हम हरे धनिया, पुदीने और हरी मिर्ची की चटनी में मिला के साथ ही पीस देंगे। ये है मेरे पास 4-10 बड़े टमाटर, 1 कप ऑयल है, मसालों में ज़ीरा है, काली मिर्ची, बेसिक गरम मसाला, हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स, बस यही चीज़ें चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं हमारे चटपटे राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ ऑयल डालेंगे। साथ इसमें डालेंगे दो मिनट के प्याजों को भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें अपना जीरा डालेंगे। जीरा डाल के हल्का से इसको भूनेंगे, साथ ही अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। प्याज और जीरा अदरक लहसुन की पेस्ट डालने के बाद अब हम इसके ऊपर टमाटर डालेंगे। साथ ही सारे मसाले और इसको 5 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि हमारे टोमेटो जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जब तक ये टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम चटनी पीस लेते हैं। मसाला हमारा भुन रहा है, मैं इसमें ज़रा सा पानी डालूँगी, फिर इसको भूनेंगे। टमाटर जो है हमारे वो सॉफ्ट होने के पास पास है। नमक, मिर्ची, हर चीज़ को टेस्ट के मुताबिक चेक कर लेंगे। अभी चटनी जो है वो रेडी कर लिए। हरा धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना और अनारदाने की चटनी हमारी रेडी हो गई है। जैसे ही हम अपने राइस डालेंगे फिर हम अपनी चटनी को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मसाला हमारा भुन गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो फिर इसमें हम अपने राइस डालेंगे। रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ पानी जो उबलना शुरू कर दिया। अब हम इसमें अपने राइस डालेंगे। बस जैसे ही पानी उबलना शुरू करेगा चावल दम में लगाने से पहले हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं चटनी और हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा वो ऐड करेंगे और फिर इन्हें दम पे लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ चावलों में जब इतना पानी रह जाएगा तब हम इसमें हरी प्याज ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए बचाऊँगी और ये जो हमने चटनी रेडी की थी वो एक तरफ डालेंगे। अब अपने चावलों को हम दम देंगे और दम के बाद मैं डिश अप करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए माशाल्लाह से हमारे चावलों का दम आ गया।
अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमारे टमाटर चटनी राइस तैयार हो चुके हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।